हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। और रोज की तरह आज एक रोचक जानकारी के साथ फिर से मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैं हूं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि एक्चुअली व्हाट्सएप जो है उसकी कमाई का जरिया क्या है। व्हाट्सएप में आप देखेंगे सब कुछ फ्री है, उसकी डाउनलोडिंग फ्री है, मैसेजिंग का कोई कॉस्ट नहीं है, आप वीडियो कॉलिंग करते हैं उसका भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप की कमाई का जरिया क्या है। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तव में व्हाट्सएप कमाई कैसे कर रहा है। तो जो आज का टॉपिक है, हाउ डज व्हाट्सएप मेक मनी, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं इसके फाउंडिंग के बारे में, कौन सा फाउंडर मेंबर रहा है, कैसे बनाया गया। तो व्हाट्सएप फाउंडेड इन 2009 बाई जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टर, ये दो लोग थे। यहाँ पर फिगर भी हमें दिया हुआ है जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टर का। और उनका जो मेन गोल था वो ये था कि इस एप्लीकेशन को बनाने के पीछे का कि SMS की उस समय कॉस्टिंग बहुत थी, SMS के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। तो इनका ये था कि भाई चीपर अल्टरनेटिव बनाया जाए जो SMS की कॉस्ट को कम कर सके। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने इस ऐप का डिजाइन किया था। नीचे आप देख सकते हैं कि WhatsApp known for its subscription and ad-free model, ये अपने सब्सक्रिप्शन एंड ad-free मॉडल के कारण जाना जाता है। और has 2 billion users, लगभग 2 billion users हैं 180 कंट्रीज में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ा जो है इनका पूरा वर्ल्ड में इनका फैला हुआ है। और अगर आप देखें कि रेवेन्यू कितने जनरेट कर रहे हैं तो 8.7 बिलियन डॉलर जो है इनका रेवेन्यू है 2021 का। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा जो है मार्केट को कवर कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इनका जो शुरुआती दौर था उस समय ये कैसे काम कर रहे थे। तो देखिए ऊपर लिखा गया है, द इनिशियल बिजनेस स्ट्रेटजी वाज सब्सक्रिप्शन बेस्ड। जो स्टार्टिंग का बिजनेस था वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, मतलब ये क्या करते थे, ये हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए $1 लिया करते थे, लेकिन कुछ कंट्रीज में इन्होंने पहले साल के लिए फ्री कर रखा और अगर आप दूसरे साल उसको रेवेन्यू करा देते तो आपको सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में $1 देना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में जब ये आया था है, तो $1 सब्सक्रिप्शन फीस ये लिया करता था। $1 सब्सक्रिप्शन फीस लेने के बाद भी अब इसका ग्रोथ देखिए, उसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ थी। मैं फिर से दिया हूँ कि अचीवमेंट लेडर दिया हूँ। तो इस लेडर के द्वारा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका अचीवमेंट था। तो अंडर द सब्सक्रिप्शन मॉडल व्हाट्सएप एक्टिव यूजर काउंट डबल्ड इन लेस देन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर ही जो सब्सक्रिप्शन का काउंट था वो डबल्ड हो गया, ऐसा फ्रॉम 20 मिलियन यूजर्स इन अप्रैल 2013 टू 430 मिलियन यूजर्स इन जनवरी 2014। तो मैंने देखिए यहाँ पे ग्राफ के द्वारा दिखाया है कि क्यों अप्रैल में अगर आप देखें 2013 में 20 मिलियन इनके सब्सक्रिप्शन थे, सब्सक्राइबर थे। और देखिए अभी आपका अप्रैल से 13 से अगस्त 13 तक ये 200 मिलियन जो है ये 300 में कन्वर्ट हो गया। और जनवरी आते आते 2014 का अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है, देखिए डबल हो गया, 200 मिलियन से ये काउंट बढ़कर की हो गया है 400 मिलियन। यानी $1 की चार्ज लेने के बाद भी इतनी जबरदस्त ग्रोथ थी। अब जो मार्केट में पहले से था, जो पहले से मार्केट में भी जगह बना लिया था वो था फेसबुक। अब फेसबुक को ऐसा लग रहा था कि उसके जो यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप की साइड में जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या किया, तो व्हाट्सएप ने देखिए फेसबुक ने क्या किया, इसको व्हाट्सएप को 2014 में खरीद लिया, उसको एक्वायर्ड कर लिया। और कितना देकर के, तो $19 बिलियन को पे कर। तो अब इसीलिए हम उसको कहते हैं कि भाई अब ये जो भी कुछ व्हाट्सएप आप देख रहे हैं अभी किसके अंडर में है, फेसबुक के अंडर में है। और
उन्होंने कुछ चेंज किया और 2014 के बाद क्या चेंज आया, ये सबके लिए इन्होंने फ्री कर दिया, देन फ्री फॉर ऑल, ये फ्री कर दिया और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को हटाया। इन्होंने कहा ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं, ये लिखा हमने ये वुड नॉट बी आइडियल फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान, ये लंबे समय के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इससे जो है 2016 जेन में इन्होंने क्या किया, ग्लोबली सबके लिए इन्होंने फ्री कर दिया कि कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं दी जाएगी, हमेशा आप बस डाउनलोड करिए और सबके लिए फ्री है। और ऐसा करने पर नेक्स्ट मंथ ही व्हाट्सएप टस्ट मोर देन 1 बिलियन यूजर्स, 1 बिलियन यूजर्स जो है इसके सब्सक्राइबर हो गए। तो कितनी तेजी से ग्रोथ हुआ है आप ये यहाँ पर समझ सकते हैं, आप यहाँ पे सोच सकते हैं। अब इसके बिजनेस मॉडल पर आते हैं। देखिए वैसे व्हाट्सएप जो है किसी तरह का फीस नहीं ले रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है माइक्रो लेवल पर क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल करता है हमारे डाटा को, जितने भी हमारे डाटाज हैं और उनको इस्तेमाल ये अलग अलग प्लेटफॉर्म को दे करके करता है। हमें क्या पसंद है, हम क्या देखना चाहते हैं, क्या हम नापसंद है, ये सारी डाटा फेसबुक के पास पहले से है और हम अपनी सारी वीडियो शेयर करते हैं, हम अपने सारे मैसेजेस शेयर करते हैं, हम जो भी चीज़ें देते हैं ये सब इनके पास एक डाटा के फॉर्म में कलेक्ट होता रहता है। आप यूट्यूब पे जाए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको देखिए हमेशा क्या होता है, साइंस की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो हमेशा जो सजेस्ट यूट्यूब करता है वो आपको म्यूजिक की चीज़ों को सजेस्ट करता है। यानी इन्होंने क्या कर रखा है, जो डाटा है वो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ये देते हैं। तो ये एक इनका बहुत बड़ा कमाई का जरिया है। इनको ये चीज़ें पता है कि इंडिया में कितने लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं, इस चीज़ को नापसंद करते हैं। तो कभी भी कुछ ऐसे डाटा किसी भी कंपनी को चाहिए, किसी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में चाहिए, तो ये क्या करते हैं उसके बदले में इनकी अर्निंग होती है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के फॉर्म में इनके पास डाटा स्टोर है, तो ये इनकी कमाई का एक बहुत अच्छा जरिया है, यानी माइक्रो एडवर्टाइजिंग लेवल पर काम कर रहे हैं। दूसरा, WhatsApp also launched its first revenue-generating enterprises product called WhatsApp Business API in 2018. और 2018 में इन्होंने एक WhatsApp Business API भी लॉन्च की है। ये कैसा है, ये जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं और कस्टमर को रिप्लाई करना है तो ऑटोमेटिक रिप्लाई उसमें लगा हुआ है, कस्टमर ने कोई चीज़ आपसे पूछा और उसका रिप्लाई उसको मिल जाएगा, तो ये इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है। और अगर आप उस पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप उसके प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो उसमें ये कुछ कास्ट उससे लेते हैं, तो कुछ उसके पैसे भी उससे लिए जाते हैं, तो ये भी इनकी एक इनकम का सोर्स है। अब देखिए फिर मैंने साइड में लिया है कि अराउंड 220.5 मिलियन व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड्स वेयर मेड बाई यूजर्स वर्ल्ड वाइड इन 2021। अभी जो बिजनेस ऐप इनका था इसको भी लगभग 220.5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है 2021 में। आप फिर से सोच सकते हैं कि इस ऐप के द्वारा भी इनकी कितनी अधिक कमाई हो सकती है। अनदर सोर्स, एक और सोर्स से लेकर क्या आ रहे हैं कि व्हाट्सएप हैज इनेबल्ड व्हाट्सएप पे इन मनी मेनी नेशंस। तो ये क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं, जैसे आप फोन पे यूज करते हैं या फिर और आप दूसरे चीज़ों को यूज करते हैं डिजिटल पेमेंट के फॉर्म में, तो वैसे ये व्हाट्सएप पे भी लेकर के आ रहे हैं और इंडिया में भी आने वाला है और कई कंट्रीज में चल भी रहा है। तो इसके द्वारा भी इनको पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया मिलेगा और ये तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आगामी दिनों में व्हाट्सएप जो है अपनी मार्केट वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो मैंने आपको बताया कि इसकी कमाई का क्या जरिया है, ये किस तरीके से कमा रहा है और किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या क्या है और इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम हर बार आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए पंकज श्रीवास्तव को अलविदा कहिए। थैंक यू, नमस्कार।